तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें कहते हैं कि एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, और ये टू डायमेंशनल वेरी कर रहा। ध्यान देना, एक्स में वेरी कर रहा, वाई में भी वेरी कर रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन केयरफुल रहना। एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूव द पोजिशन। अब जो पार्टिकल है, ये जो फोर्स टू डायमेंशन लगा, वो जो पहले जो पोजिशन था एक्स वन और वाई वन, और बाद में टू डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो गया और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये फोर्स कितना वर्क किया। तो देखो, अगर तुम पहले वाले डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो यहाँ से तुम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, तो अगर सिंपल सी बात देखोगे तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डी एक्स होता है, ठीक है ना। एफ डॉट डी एक्स, ये अब एफ अगर थ्री डायमेंशनल रखोगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड यहाँ से के कैप, ठीक है ना, और डॉट, और डी एक्स की वैल्यू रखोगे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, तो ये जो है, ये जो पूरा है, दैट इज़ द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का फार्मूला है इन द थ्री डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। समझ रहे ना, फोर्स को थ्री डायमेंशनल पूरे स्पेस में लिखा जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमें यही लगाना है, सिंस जेड में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो मैं जेड में यूज नहीं कर रहा हूँ, ये जेड को मैं जीरो जीरो कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन है, ठीक है ना, तो मैं फोर्स अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा, देख रहा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये, और प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेशन एफ वाई और यहाँ से डी वाई, तो ये वाली चीज़, और डी जेड तो यहाँ से जीरो चला जाएगा, तो क्योंकि जेड में यहाँ न फोर्स है न ही डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो एक्स का फोर्स कितना है, थ्री एक्स, यहाँ पर देखो जो फोर्स दिया गया है, जो फोर्स दिया गया है वो एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर से मिल के बना है। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये है थ्री एक्स आई कैप और प्लस फोर जे कैप, तो जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो है थ्री एक्स, और जो वाई एक्सिस में जो फोर्स है एफ वाई, वो है फोर, जो कि कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से थ्री एक्स डी एक्स, और एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट टू से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, थ्री तक, तो एक्स की लिमिट गया टू से थ्री डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस, और यहाँ से वाई की वैल्यू देखो, वाई में जो फोर्स है वो फोर न्यूटन है, और डी वाई, और इंटीग्रेशन वाई में, वाई एक्सिस के लॉन्ग पहले कितना था वाई में, थ्री से ज़ीरो तक गया है, तो ये थ्री से ज़ीरो तक, बस क्वेश्चन इज ओवर। इसको सॉल्व कर लो, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, थ्री बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर बाई टू बचा, और इधर बच गया टू बाई थ्री, और प्लस इसको फोर बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन वाई गया, वाई थ्री से ज़ीरो गया, तो ये थ्री बाई टू बाहर आ गया, ये आ जाएगा नाइन बाई फोर, लिमिट रखोगे और प्लस फोर, और यहाँ से ज़ीरो माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव, और यहाँ से माइनस चार तीन बारह आ जाएगा, तो थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू अगर तुम देखोगे यहाँ से थ्री बाई टू, तो ये आ जाएगा 1.5, और 15 पचे 75, मतलब 7.5 माइनस 12, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 7/12 माइनस 4.5, ठीक है ना, इतना जूल हो जाएगा। तो अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।